लॉकडाउन के मायने हैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सर के ऊपर दोबारा से। पहले तो था कि हम सिर्फ अपने लिए जीत रहे थे और अब हमारा जीतना या हारना भारत की 120 करोड़ जनता के लिए है। अगर हम जीतेंगे तो सबके लिए, हारेंगे तो सबकी तरफ से। तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और खुशी, अभी तो खुशी बहुत ज़्यादा है। हम नो जब आपका नाम अनाउंस होता है कि हु इज़ वन, सो इट्स नॉट योर नेम, इट्स योर कंट्रीज़ नेम, सो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़रूरी है। एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, एक एक यू नो इंडियन की, एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो प्रेशर भी उतना ही होता है। सो आई थिंक इट्स अ न्यू जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस एंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क जितना हमें करना है, इट्स आई थिंक 100 times मोर। आई एग्री विद बोथ ऑफ देम, इट्स बीन, इट फील्स एब्सोल्युटली वंडरफुल हैविंग one, but I think more importantly the responsibility that is on us now is very great, and we really have to show every part of our country that we can make them proud. So that's the most important thing right now for us. Well, मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स ऑल्सो, प्रियंका चोपड़ा हैं, वो मिस इंडिया रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, एंड मैं मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलीवुड की जर्नी, जैसे कि आप देख सकते हैं, शी इज़ कम आउट टू बी लाइक फ्रॉम लखनऊ बरेली एंड नाउ शी इज़ अ बॉलीवुड स्टार। सो आई थिंक शी इज़ वन पर्सन दैट हु इंस्पायर्स मी अ लॉट। प्राची, मेरे लिए अगर मैं बॉलीवुड में इंस्पायर होना चाहूँगी तो मिस्टर अमिताभ बच्चन है इलाहाबाद से, और पॉलिटिक्स में 7 प्राइम मिनिस्टर्स आर फ्रॉम इलाहाबाद, सो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इंस्पायर्ड रहती हूँ हमेशा अपनी सिटी से, वहाँ के लोगों से, और ऐश्वर्या राय। इंस्पिरेशंस बहुत सारे हैं, दिखना ये देखना है कि किस हद तक उनको फॉलो करके मैं कुछ बन सकती हूँ उनके जैसा। My inspiration is not a Miss India, it is Kareena Kapoor, kyunki I think she has come up with a very different unique face, and she's made a brand for herself. You know, Indians, we've always been proud of our curves, but she went out of the box and she went to, you know, a size zero image, and she's done things differently, very unique way of tackling the industry. Mujhe nahi lagta mujhe Chandigarh ke logon ko, you know, kuch karne ki zarurat hai. They all the time, you know, so enthusiastic. Up even if you go back track record dekhenge, so a lot of young talent is coming up from Chandigarh. Main Vanya Mishra, Pantaloons Femina Miss India World 2012. I would like to thank all my fans, my friends, my family for supporting me, and I would really like all the people to support me because I am going to represent country at the Miss World. Thank you. Namaste, main Prachi Mishra, Pantaloons Femina Miss India Earth 2012, Allahabad shehar se. Sabse ye kehna chahungi ki sapne dekho pure hote hain. Namaste and Vanakkam. I'm Rochelle Maria Rao, Pantaloons Femina Miss India International 2012. I'd like to say a big thank you to everyone across the country who voted for me, who supported me, especially to everyone in Chennai for all of your support.